मैं बिट्टा, मैं मानता हूँ कि मुझे जिंदा शहीद कहते हैं, पर मैं अपने आप को MS बिट्टा एक बोनस की ज़िंदगी में समझता हूँ। मरा हुआ भी हूँ और भगवान ने, जो भारत माता ने बची हुई ज़िंदगी दी है इतने बम्बों और इतने गोलियों से, जब इतने मेरे साथ जवान और बेगुनाह लोग मारे गए, मेरे दोस्त साथी मारे गए, अगर आज जिंदा भी हूँ, मर के जिंदा हूँ, वो मेरा बोनस का जो जीवन का हिस्सा है, शरीर से आधा बचा हुआ हिस्सा है, शायद भगवान ने, भारत माता ने इसलिए दिया है कि मैं उसकी और सेवा जितनी देर है मैं कर सकूं। मैं जिंदा भी हूं और मरा हुआ भी हूं। मुझे PV नरसिम्हा राव जी ने ये अवार्ड दिया था, जिंदा शहीद अवार्ड। और मैं भी कभी सोचता हूं जिंदा शहीद का मतलब क्या है, जिंदा भी शहीद ही, तो मैं अपने आप को शहीद नहीं कह सकता हूँ। भारत एक, धर्म नेक, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, को मेरा पूछे मेरा धर्म क्या है, मैं कहता हूँ मेरा धर्म भारत माँ है, मेरी जात वंदे मातरम है। आज धर्मों में भारत बट गया, को मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई, जिस धर्मों को सुभाष चंद्र बोस जी ने इकट्ठा किया था, आज मैं उन्हीं की सोच को लेके कहता हूँ भारत माँ के चरणों में मैं पैदा हुआ था, और जब मैं जाऊंगा बम्बों और गोलियों से, 2 सेकंड के लिए मरने के वक्त भारत माँ की ये कृपा जरूर होगी कि मैं वंदे मातरम कहता हुआ जाऊंगा। यही मेरे विचार हैं।